सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और जैसा आप सबको पता है, कल की रात जो थी, यानी आज वाली जो रात थी, बिल्कुल इतनी ज़्यादा, मतलब क्या कहें, डरावनी रात थी या टेंशन वाली रात थी। मैं नहीं सो पाया हूँ, मेरे साथ कम से कम 40 से 42 हज़ार बच्चे भी रात में नहीं सो पाए होंगे। मुझे उम्मीद है और मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं सो नहीं पाया हूँ, क्योंकि इतना बड़ा जो था, मतलब क्या बताएं, एक तरीके का टेंशन था। जब से कॉलेज अलॉट का वो आया है और सब में 0-0 शो कर रहा था, मतलब दिमाग खराब हो गया कि मतलब क्या हुआ, क्या मतलब क्या चल क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद में रात में मैंने 4 बजे मैं वीडियो डाला हूँ, आप जिन लोगों ने देखा है देखा, नहीं देखा कोई बात नहीं, 4 बजे मैंने वीडियो डाला कि जो है लगभग सबकी कॉलेज जो है वो जो मतलब दिखाना शुरू कर दिया है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि चाहे जब भी ऐसी कुछ न्यूज आएगी आपकी कॉलेज के बारे में, मैं वीडियो लाऊंगा। तो 4 बजे मैं वीडियो शूट किया हूँ, 3 बजे शूट किया हूँ, और फाइनली मैं 4 बजे डाल पाया हूँ उस वीडियो को। तो जितने भी लोगों को, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जितने भी मेरे साथियों को कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, और उनकी पसंद की कॉलेज मिल चुकी है, उनको तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई उन सभी बच्चों को जिन्होंने अपनी मेहनत किया और अपने मेहनत से अपना जो कॉलेज वो चाह रहे थे वो कॉलेज उनको मिल गया उनकी मेहनत से। दूसरी चीज, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, तो अभी भी जो है इसमें टेक्निकल इश्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं और बता रहे हैं, सर मेरी 2000 रैंक थी या मेरी 2500 रैंक थी और मैंने 18-19 कॉलेज चूज किए और मुझे एक भी कॉलेज नहीं मिला है। हमारे में दिखा रहा है कि यू आर नॉट अलॉटेड इन, यानी आपको सेकंड फेज में जाना, यानी सेकंड काउंसलिंग आपको करवानी चाहिए, ये चीज़ उन्होंने बताया है बहुत सारी में। तो हो सकता है आप जितने भी बच्चे हो, अभी आज 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक आप वेट कर लीजिए, हो सकता है कि अभी और अपडेट हो और आपका हो जाए, क्योंकि लगभग सारे बच्चों का 0-0 दिखा रहा था, बाद में सभी को कॉलेज मिला है। तो जिन बच्चों का ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो आप बिल्कुल बिना पैनिक हो, बाकी जिन बच्चों को मिल गया है उन लोगों का आज से जो है सीट कंफर्मेशन पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आपको कितने पैसे पे करने हैं, आपके उसमें रिमेनिंग बैलेंस लिखा होगा, जहां पर कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपने निकाला होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको इतना कंफर्मेशन पेमेंट, यानी रिमेनिंग जो आपका पैसा है वो जितना बचा है वो आपको पे करना है। उसके बाद में आप अपना लेटर, अपनी फी रिसीप्ट, ये सारी चीजें आप कैफे वाले से निकलवा लेंगे, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सभी लोग निकलवा लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज आपका है जी, आज जो है फेज टू वालों बच्चों जो है इनका कॉलेज जो है सेलेक्ट होगा, तो जिन बच्चों ने कल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो आज रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी चॉइस फिलिंग करा सकते हो। हालांकि अभी 2 दिन है, 25, 26, 27, आप 2-3 दिन में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन अगर जितनी जल्दी करा दो अच्छे से देख दाख के वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने कल ही बता दिया है कि आपको कुछ जरूरी नहीं है ज़्यादा, अगर आप फाइनल ईयर वाले, फाइनल ईयर पास कर कर अगर आप फॉर्म डाले थे, अपेयरिंग नहीं हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, पासवर्ड चाहिए और बैंक पासबुक चाहिए। लेकिन अगर आप अपेयरिंग से हो तो आपके साथ फाइनल ईयर की मार्कशीट भी होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। ये चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे जो घबरा रहे हैं कि सर पता नहीं क्या है, कैसे अभी हमको कॉलेज नहीं मिला है, तो मैं उनको बस सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वेट कर लीजिए। अगर 12-1 बजे तक नहीं आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं बात करेंगे और आपकी बात को हम उठाएंगे कि भाई क्यों इनको नहीं मिला, 4000-5000 कॉलेज में तो यार एक कॉलेज तो मिल ही जाना चाहिए, अगर बच्चे ने 17-18 गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनको प्राइवेट कॉलेज भी अभी भी नहीं शो कर रहा है, जो 0-0 वाला है ना अभी भी नहीं शो कर रहा है बहुत सारे बच्चों का, तो जिनका भी 0-0 अभी शो कर रहा है आप बिल्कुल भी ना घबराओ। मेरा तो मानना है कि हो सकता है मे बी 12 बजे तक या थोड़ी देर में अभी सभी सारे बच्चों का सही हो जाए, क्योंकि रात में तो किसी का नहीं हो रहा था ना भाई। हमने रात में जब वीडियो डाली थी ये पूछने के लिए कि कितने लोगों का 0-0 आ रहा है, तो मेरे पास लगभग 1000 कमेंट आ चुके थे रात में, मतलब सिर्फ 3 से 4 घंटे में, और उन 1000 कमेंट में सभी बच्चे यही कह रहे थे कि सर जी मेरा भी यही आ रहा है। तो जब सभी बच्चों का यही आ रहा था, फिर सुबह हमने देखा कि 2 बजे से बच्चे कमेंट करना शुरू किए हैं कि हाँ सर मेरा आ गया है और मुझे पहली चॉइस मिल गई है, मैं जो चाह रहा था वही सारी चीजें मिल गई हैं। तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग फेज फर्स्ट देने जा रहे हो, फेज फर्स्ट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती किसी को कॉलेज ही ना मिले, क्योंकि फेज फर्स्ट में जो जिन बच्चों ने कराया है काउंसलिंग उन बच्चों का जाहिर सी बात है रैंक कम है, तभी तो वो लोग फेज फर्स्ट में है ना, तो कॉलेज तो उनको मिल ही जाना चाहिए था। तो ये इतनी न्यूज थी। बाकी आज जिनका अलॉट हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और आप आज से सीट कंफर्मेशन पेमेंट कर पाएंगे। कितना करना है आपके अलॉटमेंट लेटर पर लिखा हुआ कि इतनी रिमेनिंग फीस है, आप कर दीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट वालों को 46,250 देनी है, बाकी गवर्नमेंट वालों की फीस अलग अलग है, तो आपको कहीं और भटकना नहीं है, आपकी उसी जो लेटर है उसी में लिखा है कितनी फीस आपको पे करनी है, ध्यान से देख लीजिएगा। और फेज टू वाले बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लोग अपना कॉलेज को चयन करेंगे खूब अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं, पहले आप कॉलेज को अच्छे से देख लेंगे,
मेरा मानना है कि थोड़े से कॉलेज आप ज़्यादा सेलेक्ट करिएगा, चूज करिएगा, और हर एक कॉलेज को आप बिल्कुल देख लीजिएगा कि पहले नंबर पर कॉलेज में कौन रख रहा हूँ, दूसरे पर, तीसरे पर, क्योंकि उम्मीद है कि पहले दूसरे नंबर की कॉलेज ही आपको मिल जाएगी। तो ध्यान से देखकर आप अपने चीज़ों को भरना होगा। बाकी जिनको नहीं मिला है वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोपहर तक, उसके बाद कुछ ना कुछ स्थितियाँ साफ हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली। हाँ, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो कह रहे हैं मेरे में नॉट अलॉटेड दिखा रहा है और दिखा रहा है कि अगली काउंसलिंग भाग लो, आप भी ना घबराओ, थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है वो भी अपडेट हो जाए, परेशान ना हो। तो अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं सब्सक्राइब किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी बहुत काम है, अभी हम लोग तो स्टार्ट किए, अभी एडमिशन, अभी तो पूरी पढ़ाई करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।